Hello friends, today I will do a quick unboxing and review of the SMK Glide flip up helmet, designer helmet, SIGM GL126 glossy white, and this is XL size. I got this helmet from Amazon for 5800 rupees, and that is the MRP. And even I inquired in local shop, there also the price is 5800, no discount nowhere. But in local shop I was not getting XL size, I was getting L size, so I ordered in Amazon. And moreover, in local shop I was not getting the white color, they were having such funky colors which I do not like. But this color I do like, because this is a blend between funkiness, between cruiser type, between racer type. So this helmet is a balance between everything, so I like this helmet. As you can see, the helmet comes with nothing else but a black carrying bag, and there will be few other accessories. तो दोस्तों जो मेरे YouTube चैनल को फॉलो करते हैं उसको मेरा विनम्र निवेदन, कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ये थोड़ा हेल्प करते हैं, मुझे थोड़ा मोटिवेशन देते हैं। देखिए ऐसे पैसा तो नहीं मिलेगा, और पैसा मैं सोचता भी नहीं हूँ, क्योंकि इतना ना मेरा सब्सक्राइबर है ना मेरा व्यूअर्स है, बट थोड़ा आप लोग लाइक शेयर या कमेंट कीजिएगा कि कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो हेलमेट है इसका वेट 1700 ग्राम है। ये 1700 ग्राम इसलिए भी है क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज है, ये एक्सल साइज है, 1700 ग्राम है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई ऐसे सर्टिफिकेशन बोले तो आपका पीछे में आप देख पा रहे हैं, इसमें जो सर्टिफिकेशन है वो है यूरोपियन ECE R2205 सर्टिफाइड हेलमेट। इसके और SMK का वेबसाइट का ये एड्रेस दिया हुआ है, इसके मतलब है ये ना कोई डॉट सर्टिफाइड है और ना ही ये ISA सर्टिफाइड है, बट यूरोपियन ECE सर्टिफिकेट जो है वो डॉट ISA से बेटर होता है, तो पुलिस वगैरह आपको परेशान नहीं करेंगे रोड पे, तो ये काफ़ी है आपके लिए। सामने जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें एक सनग्लास है, ऊपर की तरफ फ्लिप अप भी है, तो फ्लिप अप मुझे चाहिए क्योंकि मेरा चश्मा है, तो फ्लिप अप ज़रूरी होता है, और सनग्लास मुझे इसलिए चाहिए होता है क्योंकि मुझे धूप से थोड़ा ज़्यादा, डायरेक्ट धूप सन अगर गिरता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हेलमेट है, शानदार हेलमेट है, अच्छा पैडिंग है, इसका वेंटिलेशन भी अच्छा है, थोड़ा हेवियर साइड में है हेलमेट, पिन लॉक रेडी है, इसका मतलब है पिन लॉक रेडी नहीं है, पिन लॉक फिटेड है, इसके मतलब है ये एंटी फॉग है, और ग्राफिक्स बहुत शानदार है। बाकी आप विजर को लॉक कर सकते हैं, और वेंटिलेशन ज़बरदस्त है, अंदर भी जो हार्ड शेल है थर्मोप्लास्टिक उसके अंदर भी पैसेज किया हुआ है एयर के लिए, ऐसे नहीं है कि सिर्फ दिखाने के लिए है। बाकी ऐसे मैं पहन रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इसका हेलमेट का लुक काफ़ी बेहतर है, और ये हिलता भी नहीं है, अच्छा हेलमेट है, लुक वाइज भी अच्छा है। ये देखिए, अब ये नहीं गिर रहा है, ये लॉक हो गया है, और एक्सीडेंट में भी नहीं गिरेगा, ये लॉक हो जाएगा। और ये देखिए, जैसे कि आप इसको दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये एक मॉड्यूलर हेलमेट है, और इसका एक थोड़ा स्पोर्टी लुक भी है, और वाइट और ब्लैक ग्राफिक्स के कारण थोड़ा, जैसे मेरा तो स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, मेरा क्रूज़र बाइक है, तो उसमें भी ये अच्छा खासा एडजस्ट या फिट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा चश्मा है तो इसका
जो नीचे डिफ्लेक्टर या डिफ्लेक्टर भी दिया हुआ है और नीचे चिन गार्ड भी दिया हुआ है और ब्लूटूथ का जगह बना हुआ है साइड में, एक वो कवर किया हुआ है। बाकी ब्लूटूथ स्पीकर के लिए अंदर लाइनिंग के अंदर थोड़ा थोड़ा छेद किया हुआ है जहाँ पे आप ब्लूटूथ का जो स्पीकर है, स्पीकर उसको माउंट कर सकते हैं आप, उसका स्पेसिफिक जगह बना हुआ है इस हेलमेट में। बाकी सनग्लास जो सामने का है सेकंड वाइज़र, तो वो अब देख सकते हैं कैसे है। काफ़ी बढ़िया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं बहुत सारा हेलमेट यूज़ किया हूँ, LS2 का हेलमेट यूज़ किया हूँ। LS2 का मेरा साइज़ एकदम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइट हेलमेट होता है, जो चीक को प्रेस करते हैं तो उसमें मुझे सफोकेशन होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता हूँ मैं, तो इसलिए LS2 मुझे बिल्कुल भी जमा नहीं। फिर MT हेलमेट भी मुझे जमा नहीं, मुझे वो चीक में बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं, तो उसको क्या है, ये भी प्रेशर करते हैं बट ये मॉडरेट है। इसका जो चिक पैड है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, तो इसमें मुझे वटाइगो नहीं हो रहा है। लेकिन उस जैसे SM के MT हेलमेट में मुझे जैसे LS2 MT हेलमेट, ये दोनों हेलमेट में मुझे वटाइगो हो रहा है। मुझे पता नहीं, शायद मेरा ही कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे तो LS2 MT ये सब हेलमेट यूज़ करते हैं, लेकिन LS2 और MT हेलमेट मुझे बिल्कुल नहीं जमते हैं। SM के मुझे अच्छा लगा, अड़ाई हेलमेट भी अच्छे है, मुझे फिट कंफर्टेबली फिट होता है, AGV भी कंफर्टेबली फिट होता है। तो SM के मेरा पहला हेलमेट है, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस हेलमेट। और जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी शानदार है, पेंटेड है पूरा, कोई स्टिकरिंग वगैरह नहीं है, पूरा ही पेंट ही है, मुझे लग तो रहा है इनिशियल इंप्रेशन। न्यूज गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।